जिज्ञासा, जीव का क्या स्वभाव है? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव को प्रत्येक समय क्या करना चाहिए? जिज्ञासा करना चाहिए, उसके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। लेकिन किसकी जिज्ञासा होनी चाहिए? डिपेंड ये नहीं करता कि आप खा क्या रहे हो, डिपेंड ये करता है कि आप कितना अच्छा खा रहे हो, कितना सुस्वादु खा रहे हो। खाने के लिए घास फूस खाने को भी खाना कहा जाता है, लेकिन मतलब इससे है कि आप खा क्या रहे हो। तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव तो जिज्ञासा करता है। एक जिज्ञासा ये भी है, भाई आजकल कौन सी नई फिल्म आई है, ये भी एक जिज्ञासा है कि कौन सी फिल्म रिलीज हुई है। लेकिन एक जीव का ये भी स्वभाव है कि वो भगवत तत्व की भी जिज्ञासा करे कि भगवान कौन, हम कौन। हम क्यों आए, हम कहां से आए, हमारे आने का उद्देश्य क्या है। और जो हमें यहां भेजने वाला है परम पिता परमेश्वर, वो हमें यहां क्यों भेजा, वो है कौन। जीव और शिव के जो बीच का संबंध है उसका ज्ञान होना, क्योंकि बगैर रिश्ता को जाने हमारा जो रिप्लाई होता है हमारी तरफ से वो शायद ठीक नहीं होता है। जब हम किसी रिश्ते के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि हमारे इस जीवन में बहुत तरीके के रिश्ते होते हैं और प्रत्येक रिश्ते का जो व्यवहार करने का जो तरीका है, जो व्यवहार करने का अलग अलग विचार है, हम अपने पुत्र के साथ भी व्यवहार करते हैं, हमारा संबंध पुत्र के साथ भी है, हमारा संबंध हमारी पुत्री के साथ भी है, हमारा संबंध हमारे मां बाप के साथ भी है और हमारा संबंध हमारी पत्नी के साथ भी है। सब हमारे संबंधी हैं सब, लेकिन हमें उसके साथ व्यवहार करने से पहले हमें इस चीज का अनुभव कर लेना चाहिए कि हमारा संबंध क्या है, हमारा संबंध क्या है। जब हम उस संबंध को जान लेते हैं कि हमारा संबंध क्या है, उसके अनुरूप हम व्यवहार करते हैं उसके साथ, वैसे ही जीव का स्वभाव है। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीव का जो स्वभाव है भगवत तत्व के बारे में जानना, ये इसका मूल स्वभाव है, मूल स्वभाव है। इसलिए हमें अपने मूल स्वभाव का त्याग नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की कथा के प्रति आसक्ति रखना चाहिए, हमें उसके प्रति प्रेम रखना चाहिए। क्योंकि यदि उसके प्रति हमारा प्रेम नहीं रहेगा, उसके प्रति हमारी आसक्ति नहीं रहेगी, तो फिर हमारा जीवन बिखर जाएगा, बिखर जाएगा। इसलिए हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं।
जो हम श्रीमद् भागवत महापुराण की ऐसी पवित्र गाथा सुनने और सुनाने के लिए उपस्थित हुए हैं, ऐसी बहती हुई रसमयी धारा में व्यक्ति गोता लगा करके अपने जीवन के सारे बंधनों से मुक्त हो जाता है, सारे दुखों से मुक्त हो जाता है। इसलिए हम लोग श्रवण कर रहे थे कल गोवर्धन लीला कि भगवान ने गोवर्धन लीला भी की, और वो गोवर्धन लीला जो भगवान किए वो भगवान 7 साल की उम्र में किए थे। 7 साल की उम्र में किए थे। जब भगवान की आयु 7 वर्ष की थी उस समय गिरिराज लीला किए, और गिरिराज लीला में भगवान देवताओं के पूजन का खंडन भी किए। भगवान बोले हैं यदि इस संसार में कोई आश्रय लेने लायक है, यदि जीव को किसी का आश्रय लेना है तो केवल राधा श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय लेना चाहिए, केवल राधा श्याम सुंदर के चरणों का आश्रय, वही इस संसार में आश्रय के योग्य हों, क्योंकि वहां जाने के बाद हमें भटकना नहीं पड़ता। और जब तक हम देवताओं का आश्रय लेकर बैठे रहते हैं तब तक कहीं ना कहीं हमें भय होता है, गिरने का भय, बहुत सारे भय होते हैं। इसलिए हमें परम पिता परमेश्वर का ही आश्रय लेना चाहिए। इसलिए सुख गोस्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं कि इस संसार में जितने जीव आए हैं वो सब अपने कर्म बंधन में बंध करके आए हैं, प्रत्येक जीव अपने कर्म बंधन से बंधा हुआ है, और ये संसार बगैर बंधे नहीं रह सकता। हमारा जो भौतिक जीवन है वो रिश्तों से बंधा हुआ है, लेकिन जो हमारा आध्यात्मिक जीवन है वो हमारे कर्मों से बंधा हुआ है, वो हमारे कर्मों से बंधा हुआ है। ये जो आपकी बॉडी है, ये जो आपका शरीर है, ये भी नसों से बंधा हुआ है, नसों से बांध करके इसको टाइट किया गया है और ऊपर से प्लास्टर मार दिया गया है, एशियन पेंट मार दिया गया है, किसी को गोरा तो किसी को काला, अंतर इतना ही है। मटेरियल सबका एक जैसा है, जैसे गोरे के अंदर मटेरियल वैसे काले के अंदर मटेरियल में कोई अंतर नहीं है। इसलिए हमारा जो जीवन है वो कर्मों से बंधा हुआ है, और कहते हैं कि कर्मणा जायते जंतु कर्मणे वा विलियते सुखम दुखम भयम सेमम कर्मणे वा विपद्यते। बोले इस संसार में व्यक्ति कर्म के बंधन में बंध कर आता है और उसी कर्मों को काटते 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 अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनमेव च पंचेतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। बहुत ध्यान से सुनिएगा, इस मनुष्य शरीर में आए हैं हम तो हमको 5 चीजें मिल चुकी हैं। जब हम मां के गर्भ में आए थे तो हमें 5 चीजें मिल चुकी हैं। वो 5 चीजें क्या है? आयु, कितना साल आपको जिंदा रहना ये आपको मिल चुका है। कर्म, आपको क्या करना है, नौकरी करना है, चपरासी बनना है, डीएम बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, या फिर बूट पॉलिश करने वाला मोची बनना है, या तो बेरोजगार रहना है।
कर्म, आपको क्या कर्म करना है, कैस किस कर्म को करके आप अपना जीवन व्यतीत करेंगे, ये फिक्स है। इन पांच चीजों में कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता है। कर्म वित्तम, पूरे जीवन में आप कितना पैसा कमाओगे, 1 करोड़, 2 करोड़, 1 अरब, 2 खरब, 5 खरब, कितना पैसा कमाओगे वो भी फिक्स है। वित्त पैसा आपका फिक्स है, उसमें आप घटा बढ़ा नहीं सकते। ऐसा नहीं है कि 12 घंटे की जगह 16 घंटे करेंगे तो आपकी जो तनख्वाह है या आपके जो वित्त जो लेके आए उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, नहीं होगी। कभी कभी आप देखे होंगे दुकानदार दुकान में बैठता है तो कभी कभी हजारों का इनकम कर लेता है, कभी कभी बोनी भी नहीं होती है, होता है ना। ठीक ठाकुर जी उसका बैलेंस बनाने वाले हैं, कितना उसके जीवन में पैसा आना, ये फिक्स है। विद्या, उसके जीवन में कितना विद्या ग्रहण करना है ये भी फिक्स है। कितना वो पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करके क्या करेगा ये फिक्स है। हाई स्कूल तक पढ़ेगा या इंटर तक पढ़ेगा या बीटेक एमटेक करेगा, क्या करेगा, या फिर इतना सब कुछ करने के बाद फिर ग्रंथों का अध्ययन करेगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो वेल क्वालिफाइड होने के बाद साधु हो जाते हैं, भगवान का भजन करने के लिए चले जाते हैं। विद्या, और पांचवा है निधन। इसमें अंतर हो सकता है, ये कम बेसी हो सकता है। निधन कब आपको मरना है इसमें अंतर हो सकता है, वो भी कैसे। जितना समय आप अपने जीवन का कनेक्शन जो है भगवान से रखेंगे, जैसे हम सुबह उठ के यदि 2 माला जप करते हैं तो 2 माला जप करने में प्रायः 12 से 14 मिनट लगते हैं। यदि हम रोज 2 माला करते हैं तो जब हम माला करते हैं ठाकुर जी के सामने बैठ करके तो उतने देर तक ठाकुर जी से हमारा संबंध होता है। और जितना देर इस जीवन में ठाकुर जी से आपका संबंध होगा उतने समय तक काल आप पर प्रभावित नहीं होगा, काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं चलने वाला है। कोई ऐसा प्रमाण नहीं दिखा सकते कोई ठाकुर जी की सेवा करते करते चला जाए, कोई कथा सुन रहा हो एक्सपायर कर जाए, ऐसा आपने कोई प्रमाण नहीं सुना। लेकिन ऐसा प्रमाण जरूर है कि ठाकुर जी की सेवा करके आए और ठाकुर जी को प्रणाम करे तो प्रणाम ही करते रहे, ऐसा प्रमाण आपको मिलेगा। ऐसा प्रमाण हम लोगों के सामने का प्रमाण है। फिर ठाकुर जी की सेवा करके आए और मंदिर के बाहर से जैसे ही प्रणाम किए, लेटे, साष्टांग दंडवत किए, सोए ही रह गए, वहीं से ठाकुर जी को उठा लिया। लेकिन ठाकुर जी सेवा करते समय जब जितना देर, कहने का सेंस ये है कि जितना देर आपका मन भगवान में लगा रहेगा उतने समय तक काल का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। वो आपके जो टाइम पीरियड है उसमें जुड़ जाएगा, वो उसमें ऐड हो जाएगा। एक लोग को कुंडली में लिखा था कि ये 20 साल तक जिंदा रहेगा, इनकी आयु केवल 20 साल है। 18-19 साल हुआ तो उनके दिमाग में एक बात आई, अगर मरना ही है तो चल के वृंदावन धाम में मरा जाए। वृंदावन धाम चले गए, वो संतों के चरणों का आश्रय ले लिए, पकड़ के संतों का चरण लटक गए, महाराज 1 ही साल तो बचा है। और जब उनके चरणों को पकड़ के वो लटक गए तो महाराज जी बोले कि ये लो झोली माला, भगवान का नाम जप करो, रोज वृंदावन धाम की परिक्रमा करो, और परिक्रमा करके खाली होना तो केवल वृंदावन धाम की परिक्रमा मार्ग पे बाहर बैठे रहना। परिक्रमा मार्ग पे बैठे रहना, आते जाते संत महात्मा जो परिक्रमा करेंगे उनका दर्शन करते रहेंगे। ठाकुर जी की ऐसी कृपा कि 20 साल जीने वाला व्यक्ति 80 साल के बाद शरीर छोड़ा, 80 साल के बाद शरीर छोड़ा।
कृष्ण ग्रह गृहित आत्मा, जिस व्यक्ति के जीवन में कृष्ण का प्रवेश हो गया, जिस व्यक्ति का चिंतन कृष्ण में लग गया, वो अपने ही जीवन को नहीं इस दुनिया को भी बदलने की क्षमता रखता है। अपने नहीं इस दुनिया के भी लोगों को बदलने की क्षमता रखता है। इसलिए पांच चीजें जो है वो हमें प्राप्त हो चुकी है, आयु कर्म विद्या विधन और निधन। जब ये पांच चीजें आपको गर्भ से ही प्राप्त है तो 24 घंटा हम दौड़ किसके पीछे रहे, इसी के पीछे। तो हम विकास कर ले, हम विकास कर ले, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, हम ऐसा कर ले, इसी के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन इस जीवन में मिला क्या नहीं आपको, इस जीवन में केवल एक ही चीज नहीं मिला, वो है भगवान का भजन, भगवान का प्रेम। ये चीज आपको नहीं मिला मां के गर्भ में। इस संसार में व्यक्ति आया है तो केवल एक ही चीज प्राप्त करने के लिए, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए। बेटा बेटी भी कर्म के अनुसार हमें मिले हैं, पति भी हमें कर्म के अनुसार मिला है, मां बाप भी हमें कर्म के अनुसार मिले हैं, सब कुछ तो मिला है आपको, सब कुछ मिला। इसलिए यदि आपको प्रयास करना है, यदि आपको प्रयास करना है तो आप ये प्रयास करिए कि हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, कैसे लगेगा। केवल एक ही चीज, हमारा मन भगवान में कैसे लगेगा, क्योंकि इस संसार में सबसे कठिन यही है कि हमारा मन भगवान में कैसे है, सबसे कठिन यही संसार में। क्योंकि जब हम किसी से प्रेम करते हैं इस भौतिक जगत में, किसी लड़के किसी लड़की से प्रेम करते हैं तो वो हमें रिस्पांस देता है, उससे हमें रिस्पांस मिलता है, इसलिए हमें उससे प्रेम हो जाता है। लेकिन जो बैठा है केवल रोज उसकी सेवा कर रहे हैं, वो इतना जल्दी रिस्पांस नहीं देता, उसका रिस्पांस तो महसूस करना पड़ता है। वो आप जब उसके सामने जाएंगे तो आपके हृदय में वो प्रेम भर देगा, प्रेम भर देगा। इसलिए जो रिस्पांस हमें नहीं दे रहा है उसके पीछे पड़ो, उसके पीछे पड़ो, उससे प्रेम करो, उसमें मन लगाओ कि कैसे उसमें मन लग जाए। इसलिए कर्म के बंधन में हम लोग बंध के आए और कर्म करते करते इस शरीर को छोड़ देंगे। कर्म बंधन को काटने के साथ साथ आप भगवान का भजन करो कि अगले जन्म में अच्छी वाली रस्सी में बंध के आए। क्योंकि बंधन तीन प्रकार का होता है, बंधन तो बंधन ही होता है, वो चाहे लोहे की सिकड़ी हो, वो चाहे चांदी की सिकड़ी हो, और वो चाहे सोने की सिकड़ी हो। आप किसी भी सिकड़ी में बंधो, लेकिन बंधन तो है ही ना, बंधन तो है ही। इसलिए यदि बंधन है तो फिर भाई कुछ अच्छा करने का प्रयास करो, थोड़ा सा अच्छा करने का प्रयास करो। यदि थोड़ा सा अच्छा कर लिए तो अगला जीवन बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा मिलेगा और बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। सुखम दुखम भयम सेमम कर्म नैमाधिपति, ये संसार केवल सुख और दुख रूपी रस्सी से बंधा हुआ है। ज्यादा दुख है, सुख तो थोड़ा ही है, सुख थोड़ा ही है, दुख ज्यादा है। हम पूजा करते हैं, ठाकुर जी के सामने जाते हैं तो ठाकुर जी से क्या प्रार्थना करते हैं, भगवान दुख मत देना, सुख ही देना मांगते हैं ना। अच्छे अच्छे कर्म करने का प्रयास करते हैं, क्यों, भगवान सुखी कर देना। कोई दुख मांगता है क्या भगवान के सामने खड़े होकर के? कोई दुख नहीं मांगता है। लेकिन फिर भी आप महसूस करिएगा आपके जीवन में सुख से ज्यादा दुख ही आता है।
दुख बगैर बुलाया आता है, लेकिन सुख बुलाने से भी नहीं आता। क्यों? क्योंकि आप कर्म रूपी बंधन में बंध के आए हो, इसको आप बदल नहीं सकते, बदल नहीं सकते। प्रयास करो कुछ अच्छा करने के लिए, और कुछ अच्छा करने का यदि आप प्रयास करोगे तो यश कीर्ति मान सम्मान वर्धते, सबका वर्धन होगा, आपकी कीर्ति एक जगह नहीं पूरे विश्व में गाई जाएगी। लोग कहते हैं हम अपना प्रचार कर रहे हैं, तुम क्या प्रचार करोगे अपना? ठाकुर जी एक बार बंसी में तुम्हारा नाम फूंक देगा, सबके कान में तुम्हारा नाम गूंजने लगेगा, तुम क्या प्रचार करोगे भाई? ठाकुर जी के शरण में जाओ, क्योंकि जब हमारे गोपाल जब गाय चराना प्रारंभ किए कदम तेल से, तो वहां ले जाके अपनी पोटली को बांध देते थे, और वहां पोटली को बांध दे देते थे, और जब दोपहर में भूख लगती थी तो उनको खाने के लिए मक्खन चाहिए होता था। भगवान जब आते थे वहां पे तो उनको मक्खन चाहिए होता था, तो कहां मिलेगा? भगवान एक बार बांसुरी में फूंक मारते थे, प्रत्येक गोपी के कान में अपना अपना नाम सुनाई देता था। क्योंकि आजकल तो फोन फैल गया ना, जिससे बात करना होता है फोन है, लेकिन पहले ठाकुर जी का फोन उनकी बांसुरी थी। एक बार फूंक मारते थे, प्रत्येक गोपी के कान में उसका ही आवाज सुनाई देता था, उसका ही नाम सुनाई देता था, और गोपी मक्खन लेके भागी चली जाती, क्योंकि गोपी का भाव ही तो वही है, गोपी का भाव ही वही है, कृष्ण दर्शन लालसा। कृष्ण तो अपना दर्शन देकर ही सब छीन लेते हैं, कृष्ण को कोई देख ले तो वो सब कुछ भूल जाएगा, सब कुछ भूल जाएगा, इस संसार की व्याधाएं भी उसको याद नहीं रहेंगी। इसलिए जो एक बार देख लिया ठाकुर जी को तो उसको तो पागल हो गया। छाप तिलक मोसे जी, एक बार दर्शन देकर के नारद जी के मन को खींच लिए अपनी तरफ। ठाकुर जी किसी के मन को अपनी तरफ यदि खींचना हो ठाकुर जी को, तो ठाकुर जी उसको अपना थोड़ा सा अनुभव जरूर दे देते हैं, अपना अनुभव उसको दे देते हैं, फिर उसको ये संसार खींच नहीं पाता, नहीं खींच पाता। इसीलिए छाप तिलक मोसे छीनी रे, मोसे नैना मिला के, छाप तिलक मोसे छीनी, छाप तिलक सब छीनी रे, मोसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे, yeah।
दूरी प्राण सो प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो ब्रज दूरी प्राण सो प्यारी लगे ब्रज मंडल माही बसाए रहो रसिकों के सुसंग में मस्त रहो जगजाल समोही बचाए रहो जगजाल समोही बचाए रहो जगजाल समोही बचाए रहो जगजाल समोही बचाए रहो क्यों क्यों इस जगजाल से बचाना है क्योंकि छत्र तिलक सब चीनी रे मुझे I'm gonna be
ऊपर पड़ जाए उसके घर को
हीरे का खजाना बना दे छाप तिलक सब जी सब कुछ छीन लेते हैं, कुछ नहीं छोड़ते। तुम्हारे पास एक ही चीज है, तुम्हारा मन जो तुमको बहका रहा है। वही अगर किसी पे चला गया तो तुम तो बेजान हो गए। इसलिए ठाकुर जी की यदि कृपा हो जाए तो ही हम भगवान के आश्रय में जाते हैं। भगवान का भजन हम तभी करते हैं जब भगवान की कृपा हो तब। बगैर साधु के कृपा के, बगैर भगवान की कृपा के इस संसार में भजन तो संभव नहीं है। बाकी सब कुछ संभव हो सकता है लेकिन भजन संभव नहीं है। आप सब कुछ कर सकते हो लेकिन भजन नहीं कर सकते जब तक भगवान की कृपा न हो। इसलिए जो ग्वाल बाल सब, कल हम लोग गिरिराज की परिक्रमा किए और गिरिराज की परिक्रमा करके ग्वाल बाल जैसे ही घर पे आए वैसे ये बात हमारे नारद जी इंद्र के पास पहुंचाए। बोले महाराज इंद्र, आजकल ब्रजवासी सब पगला गए हैं। अरे वो सब इतने ढीठ हो गए हैं कि तुम्हारी पूजा छोड़ के आजकल गिरिराज जी की पूजा करने लगे हैं। हम लोगों के भी मन में ये बात आती है कि भाई यदि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं, यदि हम उनकी पूजा करना बंद कर दें और तुम्हारे कहने से हम कृष्ण की पूजा करने लगे तो कहीं वो गुस्सा न जाए। इसीलिए भागवत में ये प्रसंग आया कि जब हम परम पिता परमेश्वर के शरण में चले जाते हैं तो फिर हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। डरिए आप तब तक जब तक चपरासी और नौकरों से आपका संबंध है तब तक।
जब घर के मालिक से आपका संबंध हो गया तो डरने की जरूरत नहीं है। जब चाहो घंटी बजाओ, जब चाहो गेट खोल के घुस जाओ, कोई चिंता नहीं है। डरो तब तक जब तक मालिक से संबंध नहीं हुआ। इसलिए ये बात जब पहुंची, क्योंकि नौकर ज्यादा अभिमानी होता है, जो डीएम का चपरासी होता है ना, आप डीएम से मिलेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं अच्छा आदमी है, लेकिन उसके चपरासी से मिलेंगे तो धक्का मार के बाहर निकल जाएगा। चलो चलो अभी नहीं, डीएम साहब मिलेंगे, अभी टाइम नहीं उनके पास। उसके अंदर अभिमान देखने को ज्यादा होता है। इसलिए जब नारद जी इस बात को लेकर इंद्र के पास पहुंचे तो इंद्र अभिमानी था, क्योंकि किसी को जब मान प्रतिष्ठा पे बात आ जाए, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, ये प्रतिष्ठा ही तो हमें दुख देती है। कोई मानिंद व्यक्ति अभी आ जाए, अगर चार लोग खड़े होकर उसको हाथ जोड़ के स्वागत न करें तो उसके मन में थोड़ा सा भेद आ जाएगा, बेकार चले आए, यहां पे आना नहीं चाहिए, हमारा असम्मान हो गया, क्योंकि वो व्यक्ति अपने आप को सम्मानित तो मानने लगा। जबकि ठाकुर जी के सामने प्रत्येक जीव एक समान है। इसलिए जो प्रतिष्ठा है वो दुख का कारण भी बनती है, दुख का कारण बनती है। इसलिए तो हमारे चैतन्य महाप्रभु बोले, त्रिनादपि सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तनीय सदारी। जो तुम भगवान का भजन करने जा रहे हो वो कैसे करना चाहिए, कह रहे त्रिनादपि सुनी चेन, बोले तुम घास की तरह कोमल बन जाओ, कि घास पर लोग पैर रखते हैं तो वो प्रतिकार नहीं करती, वो फिर से खड़ी हो जाती है। तरोरी को सहिष्णु ना, पेड़ के जैसा तुम सहिष्णु हो जाओ, कि डंडा भी मारेंगे तो भी अगले साल फल देगा। लेकिन घोर कलयुग आ गया है, आम भी अब एक साल फल लगता है, एक साल नहीं लगता, और 10-20 साल के बाद वो फलना फल लगना ही बंद हो जाएगा। देखिए फल नहीं होगा। इसलिए तरोरी पर सही सुनो ना, पेड़ के जैसे सहनशील बनो, अमानी ना मान देना, बोले तुम अपने सम्मान की चिंता मत करो, दूसरों को सम्मान दो पहले। आप एक बार जानते हैं, यदि आपके गली में कोई अभिमानी व्यक्ति रहता है आपके मोहल्ले में, तो तुम रोज सुबह उठो उसको राधे राधे बोलो, या तो जो आप बोलते हो भैया पाला गिए और क्या क्या बोलते हो, जो कुछ भी आप बोलते हो सुबह उठ के उसको बोलो, पहले तुम बोलो भैया राम राम। देखना पांचवें दिन वो उठते ही तुमको देख के अगर राम राम नहीं कहेगा तो तुम कहना अमानी ना मान देना, अपने सम्मान की चिंता मत करो, पहले उसको सामने वाले को सम्मान दो, उसका हृदय तो ऑटोमेटिक पिघल जाएगा, देखते ही बोलेगा भैया राम राम, तुमसे कहने से पहले कहेगा वो। इसलिए हमें सम्मान पाने के लिए हमें सबसे पहले सम्मान देना चाहिए। यदि आप सम्मान देंगे नहीं तो सम्मान नहीं मिल सकता, क्योंकि जानते हैं ना, इनपुट उसी का अच्छा होता है जिसका आउटपुट अच्छा होता है, और जिसका आउटपुट अच्छा होता है उसका इनपुट भी अच्छा होगा, तभी उसका आउटपुट अच्छा मिलेगा। अगर हम यहां से माइक में अगर अच्छे से बोले ना तो आपको जो आउटपुट मिल रहा है वो आउटपुट मिलेगा नहीं फिर अच्छे से, इसको अच्छे से दिया जा रहा है, इसीलिए ये जो डब्बा खड़ा है इसलिए वो अच्छे से बोल रहा है। इसलिए इनपुट और आउटपुट दोनों अच्छा होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि यदि अच्छा वक्ता बनना है, यदि अच्छा बनना है वक्ता, तो सबसे पहले अच्छा श्रोता बना। यदि अच्छा श्रोता बन गए तभी तुम अच्छा वक्ता बन सकते हो, अन्यथा नहीं बन सकते। और श्रोता बनने का मतलब जानते हैं क्या? नीचे बैठ के सुनना, इसको कहते हैं श्रोता।
जो अपने अभिमान को त्याग करके नीचे बैठ के सुनता है वही तो श्रोता है। अमानी ना मान देना, ना ना हम तो नहीं सुनेंगे, ऐसी बहुत सारी कथाएं सुनते हैं, जीवन में अच्छा वक्ता नहीं बन सकते, क्योंकि एक छोटा बच्चा भी यदि वक्तव्य दे तो जो तुम्हारे काम की चीजें उसको ले लेना चाहिए, उसमें भी कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, उसमें भी कुछ अच्छी चीजें मिलती हैं, उसमें से लेना सीखो। कहने का मतलब आप इनपुट आपका अच्छा होना चाहिए, इनपुट आप पहले लेने का प्रयास तो करो, इनपुट अच्छा लिए रहोगे तभी तो आउटपुट दोगे अच्छे, नहीं तो नहीं दे पाओगे। इसलिए इस संसार में जो सम्मान अमानी न मान देना है, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु कहे पहले अपने सम्मान की चिंता मत करो, पहले सम्मान देना सीखो। कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे होते हैं, खाने का भी उसके पास नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन चार लोगों के बीच में चला जाता बहुत मान सम्मान, अरे आओ आओ भैया आओ बेटा। लेकिन कुछ लोगों के पास बहुत कुछ भरा पड़ा है, चार लोग बैठे अगर आ गया तो बोलते भी नहीं, अरे भाई कुर्सी भी दे, क्योंकि उसने सम्मान कभी किसी को दिया नहीं। बड़ा हमारा संबंध बड़ा क्लोज होता है, बहुत क्लोज संबंध होता है हमारा इनपुट और आउटपुट से। इसलिए प्रायः हमें ये सोचना चाहिए, अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा मरी, अपने सम्मान की चिंता न करते हुए दूसरों को सम्मान दो और भगवान का भजन करो। और तब यदि आप भगवान का भजन करेंगे तो आपके अंदर गुण पैदा होगा, अवगुण नहीं। गुणा गुण गे सुगुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। नीति शास्त्र कहती है कि यदि गुण गुणी के अंदर आ जाए तो वो गुण कहलाता है, लेकिन यदि गुण किसी अवगुणी के व्यक्ति के अंदर आ जाए तो वो बहुत बड़ा दोष हो जाता है, बहुत बड़ा दोष हो जाता है। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा। ये बहुत बड़ा दोष है, इसीलिए सब कुछ भगवान सबको नहीं देते, कुछ लोगों को कुछ चीजें मिल जाती हैं तो उसका वो दुरुपयोग करने लगता है, क्योंकि उसके गुण को नहीं जानता, गुण को नहीं जानता। इसलिए सदैव जो गुण है वो गुणी के अंदर ही ठाकुर जी देते हैं कि उसका उस गुण का सम्मान हो सके, उस गुण का उस विद्या का सम्मान हो सके, उसका अपमान ना हो सके, अपमान ना हो सके। इसलिए भजन करने से पहले हमें ऐसा होना पड़ेगा, अपने अभिमान को त्याग करके, और हमें बहुत विनीत होना पड़ेगा, विनीत होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मंच पर बैठ गए और मंच पर आ गए तो भाई हम ही सब हैं, चार लोग आके दंडवत प्रणाम करे तो तुम ही भगवान हो गए, कभी नहीं। क्योंकि वक्ता से बड़ा श्रोता होता है, वक्ता से बड़ा सदैव श्रोता होता है। कभी भी वक्ता को अपने आप को महान नहीं बोलना चाहिए, वक्ता की कोई औकात नहीं है, श्रोता की अधिक क्षमता होती है। आप तो बोल रहे, बोलना तो किसको नहीं आता, लेकिन सुनना सबको आता है क्या? सुनना सबको नहीं आता, ये जान लेना आप। कम ही लोग सुनते हैं, बोलने का प्रयास बहुत लोग करते हैं लेकिन सुनने की इच्छा किसी के अंदर नहीं होती। इसलिए जिसके अंदर श्रवण करने की क्षमता है उसी को श्रेष्ठ बताया गया, उसी को श्रेष्ठ बताया गया। इसलिए श्रोता जो अपना अभिमान त्याग करके जमीन पर बैठ करके सुनता है आपकी बातों को वही श्रेष्ठ कहलाता है, वही श्रेष्ठ कहलाता है। इसलिए हमें भजन करना चाहिए तो पहले अपने अभिमान को त्याग करके, अभिमान को त्याग करके भजन करना चाहिए। लेकिन जो इंद्र था वो तो बड़ा अभिमानी था, उसको अपनी प्रतिष्ठा अपनी कुर्सी का बड़ा गर्व था, क्योंकि किसी को भी छोटा सा पोस्ट मिल जाता है तो वो सीना तान के चलने लगता है,
वो कहता तो हमारे नीचे हैं सब, वो तो सीधा किसी से बात भी नहीं करता, अभिमान आ जाता है। क्योंकि ये जो प्रतिष्ठा है ना, इसीलिए इसको संत महात्मा सुकरी विष्ठा बोले, सुकरी विष्ठा बोले, बोले ये मनुष्य जीवन के लिए ठीक नहीं। लेकिन मान प्रतिष्ठा किसको अच्छी नहीं लगती? 10 लोग हमें पूछें, 10 लोग हमारे पीछे पीछे चलें, कौन नहीं चाहता? इतना अभिमान में चूर हो गया था इंद्र की अपने सावर्तक जैसे बड़े बड़े बादलों को, भयंकर बादलों को बुलाया और सावर्तक जैसे बादलों को आदेश दे दिया कि जाओ और 84 कोस ब्रजमंडल को ध्वस्त कर दो। सावर्तक जैसे बादल इतने मोटे मोटे धार में बारिश करते हैं, अगर आधे घंटे अगर बारिश कर दे तो ये पूरा अहराउरा डूब जाएगा। वो है सावर्तक बादल। ऐसे ऐसे बादलों को आदेश दिया कि जाओ और सारे ब्रज को ध्वंस कर दो। और जैसे ही सावर्तक बादल आए, भयंकर बारिश करना प्रारंभ किया, आंधी तूफान चलने लगा, सारे ब्रजवासी भागने लगे, सारे ब्रजवासी भागने लगे। और जब सब भागने लगे तो वो गए किसके शरण में? कृष्ण के शरण में, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा 7 साल के बच्चे पर ब्रजवासी विश्वास किए थे, 7 साल के बच्चे पर ब्रजवासी विश्वास किए थे और हाथ जोड़कर कन्हैया के चरणों में समर्पित हुए। कन्हैया अब तो तुम ही रक्षा कर सकते हो, तुम्हारे सिवा हमारा कोई नहीं। कृष्ण बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है। भगवान आंख बंद करके देखे तो इंद्र की कूटनीति समझ में आ गई। भगवान भगवान बोले चिंता मत करो, जिसकी पूजा करो किए हो चलो उसकी शरण में, क्योंकि तुम तो समर्थवान समझ करके उसकी पूजा किए हो ना, तो चलो उसकी शरण में। और सारे ब्रजवासियों को लेकर कृष्ण किसकी शरण में गए? गिरिराज जी की शरण में गए। अगर आप परम पिता परमेश्वर की शरण में है तो डरने की जरूरत नहीं है। आपदाएं तो आती जाती रहती हैं, लेकिन भय खाने की जरूरत नहीं है, ये आएंगी चली जाएंगी। ठाकुर जी तो सब कुछ करने वाले हैं, सब कुछ देखने वाले। भगवान बोले चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने सारे सामान को छकड़े पे ला दो और आपके जितने पशु हैं सबको लेके चलो गिरिराज जी की तलहटी में। सारे ब्रजवासियों को लेकर हमारे बाल गोपाल कृष्णलाल गिरिराज की तलहटी में पहुंचे और गिरिराज को प्रणाम करके और गिरिराज की तलहटी में हाथ लगाए और उठा करके गिरिराज को एक अंगुली पर धारण कर लिया। बोलिए गिरिराज धरण के जय हो, श्री राधे। वो 7 साल का बच्चा पूरे गिरिराज जी को एक उंगली पे धारण कर लिया और बोला जितने पशु हैं और आप जितने सब लोग हैं सब गिरिराज जी की तलहटी में पर्वत के अंदर आ जाओ। सब लोग अपने सामान सहित तलहटी में अंदर चले गए। एक दिन नहीं 7 दिन तक सावर्तक आदि बादल जमकर के बारिश की, जमकर के बारिश की। और इंद्र बोला था कि आप लोग चल के विध्वंस करो, पीछे से हम एरावत हाथी पर बैठकर आ रहे हैं तमाशा देखने के लिए। क्योंकि तमाशा देखने में हमारी इतनी आसक्ति है कि पूछिए मत, संसार के प्रति हमारा इतना राग है। क्योंकि ये जो राग है ना, अभी देखिए जैसे भगवान की कथा हो, भगवान का नाम हो, इसमें लोगों की रुचि बहुत कम देखी जाती है, बहुत कम देखी जाती है। लेकिन यदि यहीं पे यदि संसार की बात की जाए कि यार फलाना की लड़की तो भाग गई, तो पड़ोस वाले भाई क्या सही बोलो कैसे हुआ, वो इतना खोद खोद करके पूछेगा, इतना खोद मतलब उसकी जो इच्छा है
इच्छा शक्ति उसकी इतना बढ़ जाती है कि पूछिए मत। वो खुद खुद के पूछेगा कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कौन था वो। इतनी हमारी आसक्ति है इस संसार के प्रति, हमारे कान ये सब बातें सुनने के लिए तरसते रहते हैं। लेकिन इन कानों को तरसना चाहिए ठाकुर जी की कथा को श्रवण करने के लिए, तरसना चाहिए कि कहां सत्संग मिल जाए, कहां भगवान की कथा श्रवण करने के लिए मिले। यदि भगवान में आपका राग होगा, भगवान से प्रीति होगी, तो आपके कान उत्सुक रहेंगे भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए। और यदि आपका राग इस संसार में अधिक होगा, तो आप इस संसारिक बातों को सुनने में आप बहुत इंटरेस्ट दिखाएंगे, बहुत अच्छी लगेंगे ये बातें। तो वही इंद्र भी तमाशा देखने के लिए बोले, चलो पीछे से भी आ रहे, देखते हैं क्या तुम लोग किए। लेकिन जब महाराज एरावत पर चढ़ के इंद्र आया और देखा तो ब्रज में क्या हो रहा था, ब्रज में धूल उड़ रही थी। देखो ब्रज में धूल उड़ रही थी, इंद्र देख के तो सर पटक लिया, उसका जो लैपटॉप था कंप्यूटर वो पूरा हैंग हो गया। समझ में ही बात नहीं आया कि हुआ क्या। एक दिन नहीं, 7 दिन हमारे सावर तक बादल बारिश किए, लेकिन कुछ भी नहीं बिगड़ा ब्रज का। कौन बिगाड़े ब्रज का। कौन बचाएगा, कौन मारेगा जिसके ऊपर ठाकुर जी का नाम। अरे कौन बचाए उसे जिसे तूने मार दिया। कोई नहीं बचा सकता, ओ ब्रज के नंदलाला, ओ राधा जी के सांगिया। अरे कौन बचाए उसे जिसे तूने मार दिया, ओ राधा जी के सांवरिया। राधा जी के सांवरिया सब दुख दूर Thank you.
का भरा प्याला कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। Thank you.
Oh,